कुछ पैंट लगता है वैसा देखते रहे तो लगता ही लगता है। और इसमें ये जल्दी गंदगी पकड़ने वाला पैंट है। सभी दोस्तों को सभी भाइयों को जय भीम नमस्कार। आशा उम्मीद के साथ आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, यही कामना है ईश्वर से कि आप स्वस्थ होंगे और सभी लोग ग्रुप में जो है लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और नवनीत भैया एंड संदीप भाई, रिंकू भाई और भी साथी जितने देख रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से ये क्लियर कर दो कि आवाज़ हमारी आ रही है आप लोगों के कानों तक। ए के विश्वकर्मा जी, राघव माथुर, दो तीन लोग ये क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है। राहुल कुमार, राधे राधे भैया, ओके नवनीत भैया, थैंक यू। चलिए मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत लंबा सेशन नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि जो है लंबा सेशन हो जाता तो प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि संडे को लेटर जारी हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाएंगे। संडे को ये क्लियर हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाएंगे और फ्राइडे को हमारी टीम जो है 60 से 65 की स्ट्रेंथ में डीजी सर से मिली थी, जिसकी जानकारी आप लोगों को वाया पोस्ट और वाया लाइव दी गई थी। लेकिन जैसे ही फ्राइडे को हम लोगों की मुलाकात संपन्न हुई, सैटरडे को हम लोग अपने कानपुर निजी निवास आवास पे पहुँचे, कुछ लोग अपना बाहर के थे वो भी पहुँच गए सैटरडे तक। लेकिन संडे को ही मुख्यमंत्री जी का पत्र प्रेषित होता है कि जनता दरबार लगना शुरू हो जाएगा सोमवार से। तो संडे को पूरा जो है सब लोगों को बोला गया कि लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, अयोध्या, मिल्कीपुर, इसके आसपास के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 से 5 की संख्या ही जुट जाए तो इवन माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में एक अर्जी लगा दी जाए। लेकिन किसी ने भी टस से मस नहीं किया, किसी ने भी टस से मस नहीं किया। और कल भी कई पोस्ट की गई तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि जो भी करेंगे जो है सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, चुपचाप काम किया जाएगा। क्योंकि जब कोई टस से मस नहीं करना जान रहा है, सब हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, तो फिर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब करना ही हम ही को है तो फिर किसी को मतलब जो है ज़्यादा चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एक सीक्रेट प्लान बनाया गया और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग डिवाइड करके फॉलो करवाया गया, ठीक है। तो हमारे दो साथियों का ये काम था कि आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर स्पीच पोस्ट करेंगे, क्लियर। पहला पॉइंट, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर स्पीच पोस्ट करेंगे, तो आज लेटर स्पीच पोस्ट कर दिया गया है। फिर हम 4 से 5 लोग SCRT गए, जहाँ पे सबसे पहले तो हमारी निदेशक सर से बात हुई, उसके बाद में हमारी DG सर से बात हुई। हालाँकि DG सर ने बहुत समय नहीं दिया, इवन बहुत ज़्यादा 5-6 सेकेंड दिया होगा। जैसे ही हम लोगों को प्रशासन अंदर ले गया तो उन्होंने कहा कि बस मुख्यमंत्री जी का आदेश आपके सामने आ जाएगा और मीडिया के सामने प्रेषित हो जाएगा, मीडिया के माध्यम से आपकी नियुक्ति पत्र की डेट जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पर चक्कर लगाना बंद कीजिए और यहाँ पर आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि जो भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा, ये DG सर ने कहा। सरमिंद विक्रम ने भी व्यस्तता का कारण बताया है। और बघेल सर ने कहा है कि हम तो पहले ही लेटर जारी कर दिया था 30 के लिए, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी चीज़ें आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई जिनको रोक लगाना पड़ा। बाकी अदरवाइज कोई इशू नहीं है, जैसे कि संशोधन वाला मैटर है, MRC वाला मैटर है, 22CR का मैटर है, त्रुटि संशोधन का है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 29 को जो Jio आया है, ऐसी किसी भी चीज़ को प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान मत होइए,
कि किसी भी चीज का आप पर प्रभाव पड़ेगा। सभी साथियों को नमस्कार, फिर से पुनः नमस्कार। तो किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये चीज आप कान खोल के सुन लीजिए। और जो अफवाह फैला रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं कि मतलब कि 29 को एक संशोधन का जीओ आया है, उसको फॉलो कराना है, कम प्राप्तांक ज़्यादा पूर्णांक, ये सब चीज़ें जो है डीजी सर ने एक तरफ निकाल करके ही हमारी लिस्ट निकाली थी। और अगर वो उस जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो उससे हमारा कोई भी ना नुकसान है, ना ही फ़ायदा है, ना ही हमारी लिस्ट पे ज्वाइनिंग लेटर पर कोई इशू है, ठीक है। तो उसको तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो अपना विभाग का काम है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई तमाम लेटर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनको उसका समाधान करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, जो भी करना होगा वो विभाग का काम है। हम आपको इन सब चीज़ों को चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, आज हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, आज सिंगल बेंच में मतलब कोई सिंगल लड़का जीत गया है, आज डबल बेंच में चार लोगों लड़कों का ग्रुप जीत गया है, इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जिसका जो फंसा होगा उसने जो अपील की होगी उसका ऑर्डर आना होगा, जिसने जो पहले याचिका डाली होगी दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, किसी न किसी चीज़ को लेकर के, तो उसका ऑर्डर आएगा, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। तो देवेंद्र भैया को नमस्कार। तो आप लोग जो है किसी प्रकार के ऑर्डर से भ्रमित चिंतित मत हो। तो तीनों लोगों से आज हमारी SCRT पे बात हुई, ठीक है, और संतुष्ट भरा जवाब मिला। बस कहीं ना कहीं लिंक यही करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के कारण ही। दूसरी बात यह है कि जब कल से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे छाया जा रहा है कि जनता दरबार जाइए, कोई नहीं जाना जा रहा था, तो हमने अपने संतोष भाई को वहाँ पर भेजा, तीन चार लोगों को। तो वहाँ पर एक लोग गया और माननीय PRO साहब से उनकी बात हुई, मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात नहीं हुई, तो वो लेटर ले रहे थे, तो PRO साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मामला संज्ञान में है और दो से तीन दिन चार दिन के अंदर हम लोग कोई लिखित कार्रवाई का आदेश पारित कर देंगे, ठीक है। तो इतनी उनसे बात हुई और उसके बाद में जो है लेटर प्रेषित कर दिया गया है। आज हमारी टीम ने 5 काम किए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो DG सर से, सरवेंद्र विक्रम बहादुर जी से और सचिव जी से टीम ने मुलाकात किया है। दूसरा, दो फैक्स जो है आपके माननीय मुख्यमंत्री जी CMO ऑफिस करा दिया गया है। तीसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जनता दरबार में, तो उनको भी जनता दरबार से जो है आवाज़ दे दी गई है, वहाँ पर भी अर्जी लगा दी गई है, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैटर पहुँचा दिया गया है। तो अब किसी आज मतलब इतना बड़ा दिन था, इतना बड़ा काम था कि हम लोगों ने अलग अलग डिवाइड होकर के अपना काम किया। संख्या हमारी कम थी क्योंकि ये सीक्रेट प्लान था, सोशल मीडिया पे चिल्लाया नहीं गया था, सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल नहीं की गई थी। तो जो है गिने चुने लोगों को मैंने बोला था, गिने चुने लोगों को अपना अपना काम दिया था। बाकी नियुक्ति पत्र का जो मामला है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दौरा भी प्रभावित कर रहा है। अभी आज की डेट तक प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है उसकी डेट निर्धारित नहीं हुई है। जैसे ही डेट निर्धारित हो जाएगी उसके इर्द गिर्द ही हमारा नियुक्ति पत्र का भी जो है क्लियर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बस यही आपकी जो है जानकारी थी जो आप लोग परेशान हो रहे थे। और मैं ठीक है गौरव भाई, ठीक है, जब भी अगली बार हम लोग जाएंगे, अगली बार प्लान थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। प्लान आई थिंक आज ट्यूसडे है तो हम लोग फ्राइडे का प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्लान आज के प्लान से बेहतर प्लान होगा जिससे हमें जल्द से जल्द कामयाब मिले। आई एम श्योर दैट कि नेक्स्ट वीक में हमें नियुक्ति पत्र लेना ही लेना है, किसी भी हालत में लेना है, ठीक है। बाकी और भी जितने भी साथी हैं, जितने भी मित्र हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते रहिए, किसी पर ट्रोलबाजी मत करिए। जो घर से निकल रहा है उसको निकलने दीजिए, जो ज्ञापन दे रहा है उसको देने दीजिए, जो ईमेल मेल पोस्ट स्पीच पोस्ट कर रहा है उसको करने दीजिए, किसी को भी ट्रोल मत कीजिए, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पैंतरे हैं। तो किसी को रुकावट उत्पन्न मत कीजिए, बल्कि उसका मनोबल बढ़ाइए, उसका मोटिवेशनल करिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको जो है और अधिक अच्छा करने की प्रेरणा दीजिए, किसी की टांग मत कीजिए, ठीक है। कल मैं 4 साथियों को भेजना चाहता हूं जिसका फ़ोन आया था, अभी मैं श्योर नहीं हूं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्लियर है कि शनिवार को गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है। तो हमारे अपने लोगों से बात हो चुकी है, 4-5 लोग हमने तैयार कर दिए हैं, उनसे हमारी पूरी बात हो चुकी है। वो गोरखपुर में जो है शनिवार को वो मिलेंगे जनता दरबार में,
अपने नियुक्ति पत्र के विशेष जो है अर्जी लगा दी जाएगी और ये चीज़ बता दी जाएगी कि सर हम नियुक्ति पत्र वाले हैं, 6696 में सिलेक्टेड हैं, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। तो शनिवार को जो है गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे जनता दरबार में, तो वहाँ टीम मिलेगी। टीम के कुछ खास जो है मेंबर्स हैं, जो साथी हैं, वो गोरखपुर में मुलाकात करेंगे। कल के लिए अभी हम श्योर नहीं हैं कि कल कितने लोग जाएंगे, जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि ये बात चल रही है, जो भी 4-5 लोग जाना चाहते हैं वो जाएंगे। मैं उनसे आज शाम को बात करूंगा, उनसे कोशिश करूंगा कि वो लोग जाएँ, ठीक है। और आज का प्लान सक्सेस रहा, सब कुछ सही था और सभी से बात हो गई है, सार्थक जवाब मिला है और किसी को कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा लेट विलम्ब तो हो ही रहा है, उसके लिए कर भी कह सकते हैं, ठीक है। और मैं अपनी बात को अब यहीं पर फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।